घंटी तो बजाओ, घंटी बजाओ भैया, वीडियो आ रही है आपकी, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, वीडियो आ रही है आपकी, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, अरे घंटी बजाओ, अरे भाई आपको दिखाऊं एक जबरदस्त चीज, ये देखो ये आ गया है अगस्त मुनि आगे। तो इसी रूट पे अपना पड़ता है होम टाउन अगस्त मुनि, और वहाँ से ऊपर जाके अपना गांव है जो कि चमराड़ा गांव पड़ता है अगस्त मुनि में ऊपर जाके। कभी आपको वहाँ पे लेके चलूँगा, कभी दिखाऊँगा आपको उसका नज़ारा, वो भी बहुत एक अच्छी जगह है। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो आज है दूसरा दिन, डे टू, और हम जा रहे हैं आज ऋषिकेश से गुप्त काशी। अभी हमने जस्ट चेकआउट करा है और हम सब लोग तैयार हैं। और गाइज अभी रास्ते में हम यहां से निकलेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आगे के बारे में अपडेट नहीं है, रश काफ़ी है, तो देखेंगे कि हम फाटा रुकते हैं कि हम गुप्त काशी पहुँचते हैं। तो जैसा जो भी होगा मैं रास्ते से आपको अपडेट करूँगा वहाँ पहुँच के कि आगे क्या चल रहा है और यात्रा का क्या सीन है, वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ क्योंकि मौसम यहाँ पे काफ़ी ख़राब चल रहा है जैसा बता रहे हैं आगे। तो मिलते हैं हम इसमें आगे आपसे और आपको आगे अपडेट देते रहते हैं। हे गाइस, तो अभी हैं हम ऋषिकेश के रास्ते में और हम जा रहे हैं गुप्त काशी फाटा की तरफ। तो यहाँ हम अभी रुके हैं, यहाँ चेक पोस्ट पे चेकिंग हो रही थी तो हमने गाड़ी अभी यहाँ लगा रखी है। तो रास्ते का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रास्ते पहले से बहुत ही स्मूथ हो गए हैं, इससे पहले मैं कुछ टाइम पहले आया था इस तरफ तो बहुत ही रास्ते अच्छे नहीं थे, और जैसा मैंने सुना है कि आगे भी रास्ते बहुत ही अच्छे हो रखे हैं पूरे एंड ट्रिप तक, केदारनाथ तक रास्ते इन्होंने बहुत अच्छे कर दिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ है रोडों का और रास्ते कैसे हैं, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो रोड कंडीशंस जो हाईलाइट पॉइंट हैं, हम तीन धारा पे रुकेंगे वो आपको दिखाएंगे, और देवप्रयाग का जो पॉइंट है वो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम लोग तीन धारा, और यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और टाइम हो रहा है अभी 7:49। तो ये एक मेन स्पॉट है कि अगर आप आते हैं कभी इस रूट पे तो यहाँ तीन धारा पे ही ज़्यादातर बसेस जीप्स वगैरह सब यहीं रुकती है लाइन से। यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे, मतलब खाने के लिए आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा जो भी आप यहाँ खाएंगे। और जैसा आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मौसम भयंकर हो रहा है, ख़तरनाक सुहावना हो गया है, बारिश हो रही है यहाँ पर कंटिन्यूस। ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, अभी थोड़ी ही बारिश है लेकिन बूंदाबांदी चल रही है। और जैसा कि रास्ते में भी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं, मतलब जगह जगह छोटे मोटे पत्थर गिरे हैं, कोई ऐसा बड़ा लैंडस्लाइड या कुछ ऐसा नहीं है। रोड काफ़ी अच्छे बना दिए हैं, रोड की कंडीशंस भी आपने देखी होगी जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी चौड़े हो चुके हैं रोड और काफ़ी स्मूथ हैं। तो इसी तरीके से आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा जो जो स्पॉट आएगा, तो आप वीडियो को देखते रहना एंड तक। और हम चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। केदारनाथ रह गया 143, बद्रीनाथ 227, और ये आ गया पेट्रोल पंप। और आप ये देखिए कि कितना ही सुहाना मौसम हो रहा है, सामने धुंध देख रहे होंगे आप पहाड़ों पर, क्या जबरदस्त छा रखी है। जब बारिश बहुत तेज हो जाए पहाड़ों पे कभी, तो एक डर बना रहता है कि लैंडस्लाइड ना हो जाए, और खतरे भी नज़र आते हैं। लेकिन हल्की बूंदाबांदी जब हो रही होती है तो मौसम और भी ज़्यादा सुहावना हो जाता है, जैसा अभी हम देख पा रहे हैं। तो बस अब आगे इसके आएगा देवप्रयाग, हम पहुँचते हैं वहाँ और संगम के नज़ारे लेते हैं। यार रोड देखिए आप कितनी शानदार हो गई है, ये दिख रहा है चारधाम परियोजना का जो काम हो रहा था रोडों का, वो कितना अच्छा हुआ है, कितनी चौड़ी रोडें हो गई हैं। इस टाइम आराम से आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, स्मूथ है एकदम, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही अभी तक, कितना ही शानदार है। तो अपनी गाड़ी भी आप यहाँ लेके आ सकते हैं, आप इजीली ड्राइव करके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है संगम। यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके बनाती हैं गंगा,
तो गाइज यही है वो जगह जो कि पवित्र संगम कहा जाता है। तो ये तीन धारा के बाद पड़ता है, अभी हम तीन धारा पे रुके थे, वहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए थे। तो वहाँ से करीब करीब आधे घंटे का रास्ता है। इस टाइम बारिश हो रही है काफ़ी, जैसा आप देख सकते हो। ये आप ये देखो मेरे पीछे का नज़ारा, कितना शानदार व्यू आ रहा है। और ये नीचे संगम पे मंदिर है, जैसा अगर आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी हम नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश काफी हो रही है और यहाँ से काफी स्टेयर उतर के नीचे जाना होता है, तो इसीलिए मैं आपको ऊपर से ये व्यू दिखा रहा हूँ। देव प्रयाग पंच प्रयाग में से एक है और इसके अलावा विष्णु प्रयाग, नंद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग पंच प्रयाग का हिस्सा है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम को गंगा कहा जाता है। जहाँ नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। यहाँ रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर हैं जो कि बहुत ही प्राचीन हैं और दूर दूर से श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए आते हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए मनाया तब स्वर्ग से करोड़ों देवी देवता भी उनके साथ यहीं उतरे थे, इसलिए इसे देवी देवताओं का संगम और गंगा की जन्मभूमि भी कहा जाता है। घंटी तो बजा के दिखाओ, ये घंटी तो बजाओ, घंटी बजाओ भैया, वीडियो आ रही है आपकी, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, वीडियो आ रही है आपकी, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, अरे घंटी बजाओ, अरे बजाओ यार। ये बुड्ढी के बाल है, बुड्ढे के बाल है भैया, सभी ने खाए होंगे यार ये बुड्ढी के बाल। पॉपकॉर्न ये चलता है, मिलता है भाई। ये पॉपकॉर्न ये फुल्ले हैं, फुल्ले 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 फुल्ले, हाँ फुल्ले। पॉपकॉर्न तो आजकल बोलने लगे, पहले तो फुल्ले ही बोलते थे भैया। फुल्ले हमें भी दो यार, एक ये खा के हमें बचपन की याद आ गई है। प्रशांत भाई बचपन की याद आ गई है। हाँ तो पेट्रोल भर गया है हमारा यहाँ, डीजल 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 भर गया है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे की तरफ। बाबा केदारनाथ की जय। तो ये नज़ारे देखो भाई मेरे सामने, इधर राइट लेफ्ट में आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो क्या जबरदस्त नज़ारे हैं यार। बारिश तो हो रही है, पहले लग रहा था कि मौसम ख़राब हो जाएगा लेकिन अब और ज़्यादा एकदम ख़तरनाक सा मौसम हो रहा है। आप देखो ऊपर बादल ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल आ गए हैं नीचे उतर के। मौसम तो बड़ा मस्त हो गया, बस ये है यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, यही उम्मीद करके, यही बाबा से हम प्रार्थना करके आगे चल रहे हैं। हम आ गए हैं श्रीनगर। नहीं नहीं, नाम से कंफ्यूज मत होना, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है जो कि काफ़ी बड़ा शहर है, जहां आपको ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा, चाहे वो ATM हो, शॉपिंग हो या किसी कारणवश हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए हो, यहाँ सब मिलेगा। यहीं पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर कमलेश्वर महादेव भी है। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो यहाँ होटल्स 2 से 2500 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। होम स्टे की सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाएगी जो 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिलेगी। लेकिन सीज़न के टाइम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एडवांस बुकिंग करके ही आएँ, क्योंकि रश के टाइम में अवेलेबिलिटी का कुछ पता नहीं होता। भाई ATM की पूरी व्यवस्था है, आपको रास्ते में ATM भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक यस बैंक का ATM जो है ना, मैं बता दूं दर्शकों को, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। ये भाई को यस बैंक का ATM चाहिए था तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, सब आ गए हैं एक एक करके, लेकिन यस बैंक का ATM नहीं आ रहा। बाकी अगर कोई और ATM आपको चाहिए तो ICICI, HDFC, SBI सभी आए हैं रास्ते में। हाँ वो बंद था, अलग बात है, खुल जाएगा जब आप आएंगे, हैं सारे अवेलेबल। तो पेट्रोल पंप, ATMs सब ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हर एक ट्रिप में ना एक नानी होती है, तो इस ट्रिप की नानी जो है वो शिवानी है। शिवानी तू लगती है, शिवानी तू लगती है नानी। तो इस ट्रिप की जो नानी अम्मा है वो शिवानी है। भारत के अनेक रहस्यमय मंदिरों में से एक है उत्तराखंड का माँ धारी देवी मंदिर, जो कि माँ काली को समर्पित है।
यहाँ माँ की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह मूर्ति एक छोटी कन्या की तरह दिखती है, दिन में एक नवयुवती और शाम में एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। धारी देवी को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि 2013 केदारनाथ आपदा से एक दिन पहले डैम के निर्माण के लिए धारी माँ की मूर्ति को स्थान से हटा दिया गया, जिसमें यहाँ के लोगों ने विरोध किया कि विनाश और प्रलय आ जाएगी। उसके एक दिन बाद ही मंदाकिनी ने अपने रौद्र रूप से केदारनाथ से लेके इस डैम तक सब कुछ बहाक दिया। यहाँ लोगों का मानना है कि धारी देवी मंदिर में छेड़छाड़ की वजह से ही यह प्रलय आई थी। तो भाइयों, हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग के पास में और यहाँ रुके हैं हम अभी खाना खाने के लिए। बहुत भूख लग रही थी तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा ली। अब इसके बाद हम सीधा अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। आगे रास्ते आप लोगों ने देखे हैं, रास्ते बहुत ही अच्छे हो रखे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है और कोई परेशानी नहीं है। ये एक लाइव टेस्ट आपने देख लिया होगा कि हम लोग तो बारिश में आ रहे हैं, उसके बाद भी सब कुछ स्मूथ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कहीं कोई लैंडस्लाइड नहीं है। बीच में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम चल रहा है जहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब स्लो होगा एक आध पैच में, लेकिन वो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप मेरे, बहुत ही शानदार यहाँ नीचे मंदाकिनी नदी का। और गाइस, ये वही नदी है जिसने 2013 में प्रलय मचाई थी, खतरनाक रौद्र रूप लिया था मंदाकिनी। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, खाना खा के अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की जर्नी पे। और एक गुड न्यूज़ अभी हमारे को मिली है, वो ये है कि यात्रा खुल चुकी है। जो यात्रा कल स्टॉप करी थी वो अब स्टार्ट हो गई है। तो अब हम निश्चिंत होकर पहुंचेंगे बाबा के द्वार और जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम और आपको भी दर्शन करवाएंगे साथ में। तो लगाइए बाबा का जयकारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइज, ये वो कट है रुद्रप्रयाग का जहाँ से एक रास्ता जाएगा बद्रीनाथ को और एक रास्ता ये निकल रहा है केदारनाथ को। तो आप अगर बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ तक आपको सेम आना होगा और यहाँ से ऊपर आप बद्रीनाथ के लिए चले जाएंगे और हम लोग केदारनाथ के लिए इसी रूट पे सीधा जा रहे हैं। तो जी, हमें मिला एक भैंस गांव और हमने भाई से पूछा कि यहाँ का नाम भैंस गांव कैसे पड़ा। तो भाई ने कहा कि यहाँ पे भैंस ज्यादा है और इंसान कम है, इसलिए यहाँ का नाम भैंस गांव पड़ गया। ऐसा ये बोल रहे हैं, तो ऐसा ये बोल रहे हैं भाई। जितने भी भैंस गांव वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये हमने नहीं बोला, ये भाई है। हम भैंस गांव। भैंस गांव, अच्छा। आपने बताया था मैं भूल गया। पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने पेट्रोल पंप रास्ते में हो गए हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो परेशानी नहीं है। ऋषिकेश से ऊपर पेट्रोल पंप कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आपको हर 5-5, 7-7 किलोमीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप मिलते रहेंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, बिंदास होके आने का। अपनी गाड़ी लेकर आनी है तो अपनी गाड़ी भी लेके आने का। एक खुशखबरी जो है मैं प्रशांत भाई को देना चाहता हूँ। हाँ जी भाई, बताइए। प्रशांत भाई चाहते थे कि हमारा स्टे गुप्तकाशी में हो, तो मैंने अब गुप्तकाशी में स्टे करवा दिया। ये भाई गुप्तकाशी में स्टे हो गया है, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे और आपको भी करवाएंगे। बाबा विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही हमारा स्टे। लो जी, लॉटरी लग गई जी, मजा आ गया जी। बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्टे बताया भाई ने, तो अब चलेंगे मंदिर के भी दर्शन करेंगे इत्मीनान से और आपको लोकल गुप्तकाशी भी वहाँ दिखाएंगे और वहाँ पर क्या क्या है।